हे गाइस, सो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बता दूं कि आईजी डीएम जब मैंने चेक किया ना, तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ है कि दी प्लीज़ जल्दी से हमें ये बताओ कि क्या वी ने इंडियन फैंस को करवा चौथ विश किया है, क्या वी को पता है करवा चौथ फेस्टिवल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, बिकॉज ये एक चैनल नहीं है, फैमिली है, तो आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। गाइस, आपने देखा ही होगा कि BTS की काफ़ी फोटोज़ वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिसमें कि हम जो भूषण कॉन्सर्ट होने वाला है उनके रिहर्सल्स को देख सकते हैं एंड देख सकते हैं कि जो BTS मेंबर्स थे उन्होंने कितना इन्जॉय किया एंड कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी देश में, किसी भी सिटी में हो, तो आप कहीं से भी इस कॉन्सर्ट को देख सकते हो, वो भी फ्री में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये ना लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा सभी फैंस के लिए, सभी आर्मीज के लिए। तो मैंने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि करवा चौथ के एक दिन बाद वी ने अपने इंस्टा पे दो स्टोरी अपडेट किए। एक स्टोरी में उन्होंने 3 BTS मेंबर्स को टैग किए हुए थे एंड आई थिंक वो एक रिहर्सल की फ़ोटो थी, जिसमें उन्होंने आरएम, जिन, जिमिन एंड जेहोप को टैग किए हुए थे उनके फ़ोटोज़ के साथ। एंड जो नेक्स्ट स्टोरी थी ना, उन्होंने इंडियन आर्मीज को, जो इंडियन BTS फैंस हैं, उन्हें असमंजस में डाल दिया था। हुआ ये कि 3 मेंबर्स उस फोटो में भी थे एंड आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वो तीनों मेंबर कौन थे। एंड वहाँ पे ना तीनों मेंबर्स के बस हैंड ही है, तीनों मेंबर्स ने हैंड पोज दिए हुए, लेकिन जो इसमें जो इंडियन फैंस हैं जिन्होंने नोटिस किया है, वो चीज़ ये है कि उस फोटो में ना, उस स्टोरी में मून को दिखाया गया है, चांद को दिखाया गया है, तीनों मेंबर्स ने चांद की साइड पोज किया हुआ था ना। एंड जिसके बाद आईजी पे आपने से काफ़ी पीपल गाइस ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वी ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो क्या वी अपने इस पोस्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उन्हें इंडियन फेस्टिवल करवा चौथ के बारे में पता है, क्या वो इंडियन आर्मीज को विश करना चाहते हैं। तो गाइस, ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि वी अपनी बातों को अपने पोस्ट के माध्यम से कई बार बता चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ये ऐसा ही है। हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो, लेकिन जो आर्मीज़ है वो ना शॉक्ड इसलिए है, जो इंडियन फैंस हैं, बिकॉज करवा चौथ के एक दिन बाद उन्होंने वी के इंस्टा पे मून की फ़ोटोज़ देख ली, तो उनका जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही लेवल पे है। एंड गाइस, ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज जो इंडिया का कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है एंड दुनिया भर में फेमस है, एंड ओब्वियसली BTS के जो सबसे ज़्यादा फैंस है वो इंडिया में ही है, तो हो सकता है उन्हें पता हो सकता है उन्होंने इंडियन फैंस को विश किया हो एक अलग वे में, हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।